और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन पूरे कश्मीर के बंद की काल दे रखी थी, उस दिन हर कोने से कश्मीर के 100% बच्चे जहां पर रिटर्न एग्जाम देने के लिए फेयर सर्विस का आए, जो इंडिकेटर है कि हमारे यूथ में, हमारे बच्चों में अभी भी अपने कैरियर को लेकर के चिंता है। अगर वायलेंस की तरफ देखें तो नंबर ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स कम नहीं था, पहले के मुकाबले में ज्यादा था। और जो ज्यादा इसलिए था कि जो हमारी सरहद पार से मुल्क की कोशिश है कि जहां का नौजवान, जहां का अवाम अमन से ना बैठ सके, वो कोशिश भरपूर जारी रही। यहां पर बच्चों को वर्गलाने और मिलिटेंसी के रैंक्स में खींचने का सिलसिला बराबर जारी रहा। वहां से धक्का देकर के अपने मिलिटेंट्स को लश्कर तौबा और जैश के नाम पे जहां पर भेजने का सिलसिला जारी रहा। बड़ी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन भी हुई और बड़ी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन बिट जो है उनको फॉइल भी किया गया, उनको नाकामयाब भी किया गया। मगर बावजूद बहुत सारी कोशिशों के कुछ बच्चे मिलिटेंसी की जद में आए, कुछ बच्चों की जो लोकल बच्चे हैं उनकी जाने भी जाया हुई। इस सब को देख करके हम दुख महसूस करते हैं, अफसोस महसूस करते हैं। मगर एक पहलू है कि आपने, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में मिलिटेंट इस साल में मारे गए। ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से आप कहेंगे कि एक एक कामयाबी का एक पहलू है, मगर जैसा मैं कह चुका हूँ, ये एक दुख का पहलू भी है कि जहाँ पर तशद्दुद जो है उस पैमाने पर है, 45 हमारे पुलिस के साथ ही हमें छोड़ के चले गए, शहीद हुए। कुछ लोगों को मिलिटेंट्स ने घरों से निकाल करके मारा, घरों के अंदर घुस के मारा, किडनैप करके मारा, और बड़े कम लोग हैं जो इनकाउंटर्स और ऑपरेशन के दौरान हमारे पुलिस के साथी मारे गए। 46 जो कैजुअल्टी डेथ्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई, 91 की ये तादाद बनती है, और काफ़ी बड़ी तादाद में सिविलियन कैजुअल्टी हुई, और सिविलियन कैजुअल्टी के अंदर 44 लोग ऐसे हैं जिनको मिलिटेंट्स ने घरों में जा करके अपना निशाना बनाया, और इतने खौफनाक तरीके से कुछ नौजवान बच्चों को कत्ल किया जिसकी मिसाल यहाँ पर इस रियासत में क्या हिंदुस्तान के बाकी कोनों में भी नहीं मिलती है। किसी का गला रेंद के मारना, किसी को गोलियों से छलनी कर देना और उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डालना निंदनीय है, और हम परजोर अल्फाज में इसकी निंदा करते हैं। 2018 जो बीत गया उसमें हमारे शहीद जो हुए साथी, उनको सलाम पेश करता हूं, उनके परिवारों के तहीं अपनी हमदर्दी पेश करता हूं। हमको ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां हमारे साथी की शहादत हो, और हम जिस हद तक परिवार के साथ जुड़ सकें उसकी मदद कर सकें। हमारे लोगों ने बहुत सारा रिस्ट्रेंट किया, जब आपके CIA ऑपरेशंस भी होते हैं, 97 ऑपरेशन इस साल में जगह जगह पर कश्मीर में हुए, और आपको ये जान के खुशी होगी कि 97 में से 83 ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं था, किसी भी तरह का। मगर कुछ ऑपरेशन ऐसे रहे जिसके अंदर जोड़ा जो क्राउड का प्रेशर बिल्ट होता है, लोग बिल्कुल एनकाउंटर की साइड पर पहुँच जाते हैं, उस वक्त जो नफरी डिप्लॉयड होती है उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं, उनके साथ खामखा में अंगेज हो जाते हैं, उसके चलते कहीं कहीं नुकसान भी हुए। मैं फिर से अपने नौजवान दोस्तों को, यूथ को अपील करना चाहता हूं कि ये जान बहुत कीमती है, और इसको इस तरह के हालात से जाया ना किया जाए। सी, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग टूल which is an uncontrolled tool, unguided tool available to everybody. So we have seen in the past, whenever you have some minor law and order engagement or major law and order engagement anywhere in one particular place, that is blown up on the social media by certain vested interests to an extent which causes, you know, sort of law and order and security concerns elsewhere also. We feel no happy while we bring the net speed down. We feel that people do suffer. We also suffer, our own communication also suffers. But then again is done in the interest of the public safety, public security. We don't do it out of fun.
So we'll see that 2019 has lesser number of net downs and better communication. That's about we had number of modules or the youth who were just on the borderline of joining militancy. We dissuaded them, we persuaded them from joining that path. We took action which was the linear most action possible in their respect. So that also shows that police as an organization wants to be as polite, to be as friendly, to be as humane as possible. Our limitation is the situation, but there are a number of things which cannot be shared openly, where we sort of a large number of youth who could have gone to the other side, joined militancy, we have taken them on our side. So that's again a very, very positive posturing from the police side.